डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल में रोटी रास नहीं आ रही है। वो जेल कैंटीन से फ्रूट और जूस ले रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर राम रहीम को अभी कोई काम भी नहीं दिया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन न होने के चलते अब तक जेल में मुलाकात के लिए भी कोई नहीं पहुंचा है। दरअसल जेल कैंटीन में फ्रूट जूस के अलावा बिस्कुट, नमकीन, लड्डू, मट्ठी, समोसा, नूडल्स और खाने पीने की कई चीजें मिलती हैं। कैंटीन में हर कैदी का अकाउंट खुलता है और इसके बाद इसी अकाउंट से कैदी खाने पीने की चीजें लेता है। राम रहीम को शुरुआत से ही जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है। वो बार बार कहने पर भी बहुत कम रोटी खा रहा है। जेल प्रशासन ने उसके लिए दो नंबरदार नियुक्त कर रखे हैं। इसी वजह से वो कैंटीन से अपने अकाउंट से फ्रूट और जूस पर जोर दे रहा है। जेल में आने के बाद से अब तक डॉक्टर्स दो बार गुरमीत राम रहीम का शुगर और बीपी चेक कर चुके हैं। उधर डेरा प्रमुख के चलते दूसरे कैदी परेशान हैं। उन पर अनेक प्रकार की बंदिश लगा दी गई है। कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों से मुलाकात का समय भी कम कर दिया गया है। राम रहीम के जेल में आने के बाद अब कोई नया कैदी या हवालाती भी यहां नहीं लाया गया है। ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो।